नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये वाइब्रेटर के ऊपर लेकर गया हूँ। तो वाइब्रेटर हमारे मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा पार्ट्स लगा होता है, इसके ख़राब होने से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फ़ोन में कंपन नहीं करता है। वैसे अगर रिपेयरिंग के लाइन में देखा जाए तो इसका कोई ज़्यादा मात तो नहीं रहता, कि मतलब ऐसा नहीं कि इसके ख़राब होने से कोई बड़ा मेजर फॉल्ट आता है। लेकिन हम बात करते हैं जहाँ पर 14 कंपोनेंट्स के बारे में, तो वहाँ पर हमारा इस ये भी कंपोनेंट्स होता है जिसका रोल रहता है और जिसके ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में एक ही प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फ़ोन कंपन नहीं करता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वाइब्रेटर के बारे में है। हम लोग आपको वाइब्रेटर के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं ये बेसिक के ऊपर वीडियो दे रहे हैं। जैसा कि कम से कम बेसिक का ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 मोबाइल फ़ोन की क्लास का लगातार हम आपको सीरीज दे रहे हैं। अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा कहीं किसी वीडियो में आप नहीं पाएंगे कि आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सीरीज मिल रही है। ये वही सीरीज है जो बच्चे क्लास में सीखते हैं, क्लास में यहाँ पर आकर के लर्न करते हैं, एक एक करके उनको बेसिक के बारे में पूरा डिटेल में उनको जानकारी दिया जाता है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा एक बार सीख करके निकले वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होकर के निकले और उससे कोई भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर ऐसा ना हो कि जिससे कोई भी मोबाइल फ़ोन ठीक ना हो सके। तो 100% ट्रुथ के साथ में वो सारे मोबाइल फ़ोन को बनाना सीख करके जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, सिमेटिक डायग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ए से लेकर जेड तक सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वाइब्रेटर के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं कि वाइब्रेटर हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होता है और इसके ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाइब्रेटर। तो यह एक पार्ट है जो फोन में कंपन करता है। तो वाइब्रेटर यह एक पार्ट है जो फोन में कंपन करता है। वाइब्रेटर का काम क्या होता है? मोबाइल फोन में कंपन करना, मतलब हमारे पास जो मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फ़ोन का जो वाइब्रेशन करता है, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपन करता है, तो वाइब्रेटर एक पार्ट होता है जो मोबाइल फ़ोन में कंपन करता है। इसका काम होता है मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेशन पैदा करना। ये अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन का पाया जाता है, इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से होता है। अगर आप रियल शेप की बात करेंगे, रियल शेप का मतलब होता आकार। अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो ऐसा भी लगा होता है, ऐसा भी लगा होता है, ऐसा भी लगा होता है, इस तरीके से ये दिखने में लगता है। मतलब ये मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिससे आप पहचान सकते हैं रियल सिम। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है वो VIB होता है या M होता है। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है? VIB या M। इसका सिंबल इस तरीके से वाइब्रेटर जैसा, कंपन जैसा इसका निशान बना होता है, इस तरीके से सिंबल होता है। इसका वर्क होता है मोबाइल फोन में कंपन करना। इसका जो काम होता है मोबाइल फोन में कंपन करना, मतलब हमारे मोबाइल फोन में कंपन करना, ये इसका काम होता है। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, इसको चेक कैसे करेंगे। अगर टेस्टिंग की बात करेंगे तो मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं यदि चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं यदि चेक करने पर वैल्यू दे या
बीप दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, यदि चेक करने पर वैल्यू दे या बीप दे, अगर आप जो इसको चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे? बी पॉइंट पर सेट करेंगे। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, यदि चेक करने पर वैल्यू दे या बीप दे तो ओके। यदि आप जब आप इसको चेक करते हैं तो चेक करने पर वैल्यू देता है या बीप देता है तो हमारा सही है, और नहीं देता तो हमारा खराब है, फॉल्टी। कुछ ना दे, कुछ ना दे तो खराब है। जब आप इसको चेक करोगे, चेक करने पर अगर ये कुछ नहीं देता जो खराब है। इसका टेस्टिंग क्या होता है? वाइब्रेटर, वाइब्रेटर एक पार्ट्स होता है जो मोबाइल फोन में कंपन करता है। क्या काम करता है? मोबाइल फोन में कंपन करता है। यह एक पार्ट्स है जो मोबाइल फोन में कंपन करता है। डिनोटिंग लेटर VIBM होता है। इसका वाइब्रेशन जैसा इसका सिंबल होता है, इसका वर्क होता है कंपन करना। ये मोबाइल फोन में वाइब्रेशन पैदा करता है, इसका काम होता है कंपन करना। टेस्टिंग होता है, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर यदि वैल्यू दे या बीप दे तो ओके, कुछ नहीं देता तो खराब है। तो ये जितने भी हमारे मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में लगा होता है, या तो मोबाइल फोन में नीचे साइड लगा होता है, ऊपर लगा होता है, किसी भी साइड कंपनी लगा करके रखती है। इसके खराब होने से एक ही प्रॉब्लम आती है कि फोन कंपन नहीं करता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड में कैसे दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वाइब्रेटर होते हैं जो लगे होते हैं। इसका काम करने का तरीका क्या होता है? वाइब्रेटर में होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसकी कटी हुई एक मोटर होती है। वाइब्रेटर में क्या होता है? एक कटी हुई मोटर होती है। जब इसको सप्लाई देते हैं तो ये मोटर घूमती है। तो जब ये मोटर घूमती है तो इससे क्या होता है? वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, और आपका मोबाइल फ़ोन में कंपन होना शुरू हो जाता है। अगर आप राउंड शेप में देखेंगे तो राउंड शेप में अगर देखेंगे ये आधी कटी हुई प्लेट्स लगी होती, आधी कटी हुई प्लेट्स है, मतलब पूरी प्लेट्स में से अगर आप देखेंगे तो आधा का हिस्सा नहीं है। ये आधा हिस्सा जब नहीं होता, जब ये घूमता है तो घूमने से क्या होता है? इसमें वाइब्रेशन फील होता है, मतलब यूं 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 करके ये पूरे मदरबोर्ड को क्या कर देता है? हिला देता है। तो मदरबोर्ड को हिलने से हमको ही वाइब्रेशन जैसा फीलिंग आता है, और ये ख़राब हो जाता है तो सिर्फ एक ही फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि वाइब्रेशन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग पर लगाने पर या बैटरी लगाने पर फ़ोन डायरेक्टली अपने मन से ही वाइब्रेट करने लगता है, तो उस कंडीशन पर हमको ये भी पता चलता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाती है। अगर पावर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो हमारे मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेटर जो होता है ये अपने मन से काम करना शुरू कर देता है। अगर अपने मन से काम करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब इसके अंदर का पावर सप्लाई शॉर्ट हो गया। चलिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ कि बोर्ड में जनरली तरीके से किस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये जैसे हमारा वाइब्रेटर है, अगर आप देखेंगे ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है, ये वाइब्रेटर आपको लगा हुआ है। अगर आप जब इसमें देखेंगे तो इसके दोनों पिनों को जब आप चेक करेंगे, ये दोनों पिनों को चेक करेंगे तो दोनों पिनों चेक करने पर क्या देंगी? बीप देंगी। अगर दोनों पिनें चेक करने पर बीप देती हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा सही है। अब बीप नहीं देते तो हमारा क्या? खराब है। तो ये हमारा इसका चेक करने का तरीका है। इसका टेस्टिंग है, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जब चेक करेंगे, अगर ये बीप वैल्यू देती है तो सही है, कुछ नहीं देती तो खराब है। मैं आपको थोड़ा सा राउंड वाला भी दिखाता हूँ कि राउंड वाला जो वाइब्रेटर होता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसा दिखाई देता है। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ये हमने दूसरा मोबाइल फ़ोन का बोर्ड रखा हुआ है। ये देखिए, ये आपका राउंड वाला होता है, गोल शेप में होता है, ये इसके दोनों पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मल्टीमीटर के माध्यम से टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको चेक किया जाता है। सर वीडियो में दिखाइए ताकि हम बच्चों को चेक करके दिखा सकें। देखो, हम इसको मल्टीमीटर का बी पॉइंट पर सेट करेंगे। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जब चेक करेंगे तो वाइब्रेटर के दोनों पिनों में चेक करेंगे। अगर दोनों पिनों को जब हम चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा? बीप देगा। ये देखिए, बीप दे रहा है। मल्टीमीटर को दिखाइए ज़रा। ये बीप देने का मतलब क्या है? हमारा सही है। अब हम आपको राउंड वाला दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा जो गोल गोल वाला होता है, इसको चेक करेंगे तो इसके दोनों पिनों चेक करने पर क्या देंगे? बीप देंगे। ये तो इसमें चेक करने पर बीप आती है। बीप आने का मतलब क्या? हमारा सही है। बीप नहीं आती तो हमारा ख़राब है। ये वैल्यू भी आती है तो वैल्यू से भी हमको कंफर्म हो जाता है। देखिए,
तो बीप देगा या वैल्यू देगा तो हमारा सही है, अगर नहीं देता तो हमारा क्या है, खराब है। तो दोस्तों आज मैंने आपको वाइब्रेटर के बारे में बताया कि हमारा वाइब्रेटर मोबाइल फ़ोन में कैसा दिखता है और वाइब्रेटर को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने वाइब्रेटर के बारे में पूरा स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ए से लेकर जड़ तक कोई भी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको बेसिक लेवल के बारे में कम से कम इतना ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि आप जो जितने भी सारे जो न्यू लोग हैं वो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और बेसिक से बहुत सारी चीज़ों को आसानी से वो चेक कर सकते हैं। तो आज के ये हमारा पूरा टॉपिक कम्प्लीट हुआ, आज हमने वाइब्रेटर के बारे में आपको समझाया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक गोवा के रहने वाले हैं और वो फिलहाल गोवा से निकल चुके हैं और कल या परसों हमारे पास आ जाएंगे, कानपुर आ जाएंगे। उनका पहले गोवा से ट्रेन उनको झांसी के लिए मिला हुआ है, झांसी के बाद फिर उनको कानपुर आना होगा। तो कल उन्होंने बोला कि मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमको 10-11 बजे तक मैं रात में कल रात में झांसी पहुंच पाऊंगा, उसके बाद फिर अगले दिन मैं कानपुर आ जाऊंगा। तो वो पहले कहीं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते थे और वीडियो के माध्यम से सीख रहे थे, लेकिन जब से उनको यहाँ का वीडियो मिला तो उन वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारा हेल्प मिला। ए से लेकर जेड तक सब चीज़ों उन्होंने वीडियो के माध्यम से फ्री ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला, फाइनली ये डिसाइड किया कि सर मैं आपके पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहता हूँ और जो भी मैंने वीडियो के माध्यम से इतना सब कुछ सीखा है मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज मैं मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग के कम्प्लीट काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और परसों आ जाएंगे क्लास के लिए। एक मेरे पास और स्टूडेंट हैं जो उन्नाव के रहने वाले हैं, तो शिव शंकर नाम है उनका। वो पहले पंजाब में नौकरी करते थे। पंजाब में नौकरी करने का उनका प्रोसीजर क्या था कि सर मैं ऐसे जॉब के लिए चला गया था, 5-6 महीने काम किया, फिर मेरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने में पहले से इंटरेस्ट था तो मैं वहाँ पर एक दुकान पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखने लगा। मेरे भैया थे, रिलेटिव थे, लेकिन मुझे सर 8 महीने हो गया काम करते करते, सिखाने के नाम पर हमको ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिल पाई क्योंकि वो टच ग्लास कॉम्बो और चार्जिंग पिन UI चेंज करना बस इतना ही काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन जब मैं आपकी वीडियो के माध्यम से देखा कि सर आपने मुझे बेसिक का, मैंने पहले आपका वीडियो देखा हुआ है कि उसमें आपने जो बताया है तो सब चीज़ मुझे अच्छे से क्लियर हुआ, उसके माध्यम से मैं मोबाइल फ़ोन को चेक करना सीखा। उसके बाद जब बेसिक हमारा क्लियर होगा तो बेसिक क्लियर होने के बाद फिर हमने जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर संबंधित ऐसी सारी वीडियो हैं, इन सारी वीडियो के बारे में देखा, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैंने अनुभव लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सीखने में। मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम ये 6-8 महीने से हमारा नहीं होने वाला, अगर हम कहीं जा करके एक बार सीखें तो मुझे लगता है कि हम बेहतर कंप्लीट हो सकते हैं। तो आज आए, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, कल परसों से अपना क्लास को कंटिन्यू कर देंगे और पूरा अच्छे से सीख करके। कि फिर मैंने सर मुझे बता भी रहे थे कि सर मैं जब मैंने उनको वहाँ पर फ़ोन करके बोला कि मैं एक जगह गया हूँ वहाँ पर सीख के आऊँगा, तो उन्होंने बोला कि पहले तो हमको कुछ पैसे नहीं देते थे, ऐसे ही लेते थे, बस 30-40-20-50 रुपये दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला कि अगर तुम सॉफ्टवेयर का काम पूरा सीख करके आओगे और मदरबोर्ड की रिपेयरिंग का काम अच्छे से सीख करके आओगे तो मैं तुमको 10-12 हज़ार रुपये सैलरी भी दूंगा। तो सर मुझे तब उस समय पर फील हुआ कि अगर यहाँ पर मेरे सीखने में 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है तो अगर मैं 1-2 महीने में सीख लेता तो आज मैंने जो 5-6 महीने समय बर्बाद कर दिया तो मेरा समय भी नहीं बर्बाद होता और मैं 8-10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये कुछ ना कुछ पैसे कमा भी रहा होता, अर्न कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ जब उनके दिमाग में ख्याल आया तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और आज उन्होंने अपना पूरा डिसाइड कर लिया फाइनली, ताकि 2 दिन बाद क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरीके से सर हमारे पास जो भी सारे लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं और पहले वीडियो के माध्यम से देखते हैं, 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो 10 वीडियो को देखते हैं। सर अगर आप देखेंगे, मुझे इस लाइन में 17 साल हो गए ट्रेनिंग देते देते, सिखाते सिखाते, हर एक बच्चा अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट सीख करके जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। ये अगर देखेंगे तो जो हम आपको वीडियो डालते हैं सर, ये 2012 का पुराना यूट्यूब का चैनल है, इतने साल से इसमें वीडियो फॉलो हो रही हैं, वीडियो डाली जा रही हैं और आपको एक एक करके स्किल के बारे में आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है, ताकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकें, उनको कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वाइब्रेटर के बारे में था, वाइब्रेटर के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 6391711711, 6391211211।
इस नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे तो आपकी बात होगी, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है, या कभी भी आप दिन में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं कि कैसे सेंटर पर क्लासेस हो रही हैं, कैसे सिखाया जा रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और ए से लेकर जेड तक ट्रेनिंग के बारे में पूरा प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।